था ना पैसा तो आवेदक 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 लाला राम निवासी मात्री के प्रार्थना पत्र आया था कि उसके एटीएम कार्ड जो जारी किया गया उसमें 2,07,000 रुपए की ठगी मार्च 2018 में की गई। जब उसके खाते से पैसा निकल गया उसको जानकारी नहीं थी, लेकिन जब वो बैंक में गई कि मेरे खाते से पैसा विड्राल हो गया, लेकिन उस पैसे का उपभोग मेरे द्वारा नहीं किया गया, मेरे द्वारा पैसा नहीं निकाला गया। इस बाबत जब हमको प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ तो मेरी साइबर सेल की टीम, जिसके प्रभारी अमित कुमार और उनकी टीम के जो कर्मचारी थे प्लस एतमाद दौला पुलिस जहाँ की अभियोग पंजीकृत हुआ था, इन सभी टीमों ने संयुक्त प्रयास करके 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया, जिनके नाम क्रमशः मैं बता रहा हूँ। नितिन चौहान पुत्र रघुवीर सिंह चौहान 852 जे न्यू आबादी राम विहार कॉलोनी टेढ़ी बगिया नरायच कुबेरपुर आगरा SBI ग्राहक सेवा केंद्र के संचालक हैं ये। दूसरे हैं राकेश कुमार पुत्र स्वर्गीय राम स्वरूप निवासी धुरऊ पोस्ट हसन खंदौली आगरा पोस्टमैन का काम करते हैं। रविंद्र शर्मा पुत्र राजेंद्र शर्मा निवासी 63D 627 न्यू जनता कॉलोनी मुस्तफा क्वार्टर आगरा बैंक ऑफ इंडिया ग्राहक सेवा केंद्र के संचालक हैं। चौथा उमाकांत पुत्र स्वर्गीय फौरन सिंह निवासी नंदिनी बिहार नंदलालपुर हाथरस रोड आगरा बैंक कर्मी हैं ये उसमें प्यून का भी काम करते हैं। और प्लस आदित्य प्रताप सिंह पुत्र श्री शैलेंद्र कुमार निवासी खसरा 852 जे न्यू आबादी राम विहार कॉलोनी टेढ़ी बगिया नरायच आगरा SBI ग्राहक सेवा केंद्र संचालक के पड़ोसी हैं। इन लोगों ने फर्जी क्लोनिंग तैयार की और उस क्लोनिंग के माध्यम से जो बंद पड़े खाते थे उन खातों को जनरेट किया और जनरेट करके उनके मोबाइल नंबर बदल करके नया ATM कार्ड जारी किया और नया ATM कार्ड का पिन कोड भी अपने जानकारी करके फिर उसके सारे पैसे अपने निकाल लेते थे। इसके अलावा इन लोगों ने दूसरी घटना किया कि मदरसा का जो पैसा स्कॉलरशिप का आया था उसमें इलियास और सफ़ी नामक व्यक्ति जो कि मदरसा के संचालक हैं जिनका कि एड्रेस सकूनत तस्दीक की जा रही है, उन लोगों द्वारा फर्जी खाते खोल करके इस स्कॉलरशिप का पैसा अपने निजी हित के लिए निकाल लिया गया। शेष 24 लाख रुपये जो अभी पुनः आना है उसको रोकने के लिए हम लोगों द्वारा पत्राचार किया जा रहा है। इस सारे कृत्य में बैंक मैनेजर की भी संलिप्तता पाई गई है, उनके बारे में पता करके उनकी पोस्टिंग के बारे में पता कर लिया गया है, उनकी पोस्टिंग पता करके वहां से पत्राचार किया जा रहा है, उनका आरोप साबित करके उनकी भी गिरफ्तारी शीघ्र से शीघ्र की जाएगी।